पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों में खाएं अंजीर के लड्डू। झटपट बनेगी ये रेसिपी, सेहत को मिलेंगे कई सारे फायदे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियों का मौसम खान पान के लिए जाना जाता है। इस मौसम में कई पकवान होते हैं जो न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इन्हीं पकवानों में से एक है लड्डू। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ लोगों के घर पर तिल के लड्डू, कुछ के घर पर पंजीरी लड्डू, तो कुछ लोगों के यहाँ ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं। अब लड्डू का नाम सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन लड्डू खाने की समस्या तो उन लोगों के सामने है जिन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है, इसलिए ये मुंह मीठा बहुत ही नापतोल कर करते हैं। अगर आप भी डायबिटीज से जूझ रहे हैं और सर्दियों के मौसम में लड्डू भी खाना चाहते हैं तो अंजीर के लड्डू ट्राई कर सकते हैं। अंजीर का नेचुरल मिठास बिना ब्लड शुगर बढ़ाए आपको स्वाद दे जाएगा। तो आइए जानते हैं अंजीर के लड्डू बनाने की रेसिपी और इसे खाने के फायदों के बारे में। अंजीर का लड्डू बनाने के लिए आपको सामग्री चाहिए। अंजीर 200 ग्राम, बादाम 60 ग्राम, काजू 70 ग्राम, खजूर 100 ग्राम, देसी घी 2 बड़े चम्मच। अंजीर के लड्डू बनाने की विधि आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अंजीर, काजू, बादाम और खजूर को बारीक काट कर तैयार कर लें। इसके बाद गैस पर एक कढ़ाई गर्म करें, उसमें थोड़ा सा घी डालकर काजू और बादाम सुनहरा होने तक भून लें। जब काजू और बादाम सही तरीके से भून जाए तो उसमें कटे हुए खजूर और अंजीर डालकर पकाएं। आपको मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक कि अंजीर और खजूर बिल्कुल नरम ना हो जाए। इस मिश्रण को ठंडा करने के बाद आप मिक्सर में पीस लें ताकि लड्डुओं को शेप देना आसान हो जाए। इसके बाद कढ़ाई में एक चम्मच घी को गर्म करें और मिश्रण को गाढ़ा होने दें। मिश्रण के तैयार होने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे लड्डुओं का शेप दें और किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अंजीर के लड्डू खाने के फायदे क्या हैं। अंजीर का जीआई कम होता है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अंजीर में प्राकृतिक मिठास पाई जाती है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि इसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। डायबिटीज के रोगियों को सूखे अंजीर खाने से परहेज करना चाहिए। अंजीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। सर्दियों में जिन लोगों को कब्ज, पेट दर्द की परेशानी रहती है वह भी अंजीर के लड्डू का सेवन कर सकते हैं। अंजीर में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार से परेशान लोगों को अंजीर के लड्डुओं का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। धन्यवाद।